गाइस मैं अभी जो है सिस्टर की जो पैकिंग करवाया था जी, तो भाई जान जो है अभी पैकेट में बना रहे हैं इसको, खूबसूरत बन करके बनाएंगे इसको गिफ्ट करके, ताकि जो है जब मैं गिफ्ट दूंगा तो सिस्टर के लिए सरप्राइज हो जाएगा ना, मतलब एक्साइटेड हो जाएगी ताकि। हाँ चेक तो करो भाई साहब, ओए ओए लेवल देखो भाई, मैंने पूरी जो है ना आज पे भाई लाखों में एक तो है हमारी बहन, इसको खोलो ना पता तो तब चलेगा ना गाइस, अब पता चलेगा सिस्टर जो है अनबॉक्सिंग करने वाली है। अच्छा मैंने सही लिखा है ना इस पे डब्बे में एक, तो भाई सिस्टर हमारी लाखों में है कि भाई लाख तो मैं भी कम बता रहा हूँ, मेरे जान से भी ज्यादा अजीज है भाई मेरी सिस्टर को। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोलेज यूट्यूब। दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद है सब कह रहे हो कि मजे में होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज बड़ा खुश लग रहा हूँ यार, क्योंकि मैं ऐसा आज मैं किसी को सरप्राइज करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो यार मुझे स्लो बोलना पड़ेगा, क्योंकि यार मैं सरप्राइज पता है किसको देने वाला हूँ, सिस्टर को देने वाला हूँ। और वो सरप्राइज पता है क्या है, वो है ये आईफोन एक्स, चीज बढ़िया है जो कि भाई मेरे जिससे मैं पहले ब्लॉगिंग करता था और जिसके बस ये थोड़ा बहुत खराब हो गया था, मैंने ये मालूम करवाया कि इसके तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये खर्चा है। तो भाई ये सिस्टर ने मुझसे कल, मैं ऐसे देख रहा था ना मोबाइल वगैरह खोल रहा था अपने, तो सिस्टर ने मुझे बोला कि भाई ये वाला आईफोन जो है ना मुझे दे दो। मैंने बोला नहीं खराब है, आपके काम का नहीं है, लेकिन सिस्टर ने बोला नहीं भाई मुझे ये चाहिए, मैं खुद ही बनवा लूँगी। तो यार मैंने उसको मना कर दिया, तो ये बात मेरे दिल पर लग गई। मैंने बोला नहीं यार, फिर मैंने दिल ही दिल में सोच लिया कि ये चीज़ मैं उसको दूंगा, लेकिन सरप्राइज करके दूंगा, पैक वैक करके बिल्कुल पन्नी वन्नी लगा के। मैं डब्बा भी लाया हूँ पैक करने के लिए, ये देखें तो सामने एक डिब्बा पड़ा हुआ है, तो उस डब्बे के अंदर मैं रैपिंग वगैरह करवा के, चारों तरफ से रैपिंग वगैरह करवा के, और उसके बाद जो है मैं इसको सरप्राइज करूँगा, काफ़ी खुश हो जाएगी यार। तो अभी जो है यार ये ट्रेन आ गई यार, बीच में शोर मचाने के लिए यार मैंने ये डिब्बा वगैरह ढूंढ लिया, इसको मैं इसमें फ़ोन बंद करके और चारों तरफ से अच्छी वाली रैपिंग करके कहीं से दुकान पे जाऊंगा, उसको अच्छी तरीके से पैक वगैरह करवा के, और फिर जो है सिस्टर को सरप्राइज दूंगा। अभी यार सिस्टर नीचे घर पे बैठी हुई है, मैं डब्बा जो है चोरी चोरी लेकर आया हूँ ताकि सिस्टर को पता ना चले, और मैं छत पर भी चोरी चोरी आया हूँ ताकि सिस्टर को पता ना चले। तो अभी जो है मैं शॉप पर जाता हूँ और इसको पैक वगैरह करवा के उसके बाद मैं सिस्टर को सरप्राइज दूंगा, काफ़ी खुशी हो जाएगी यार, क्योंकि मैंने कल मना किया था उसको। मैंने मना इसलिए किया था कि मैंने सोचा उसको सरप्राइज दूंगा फिर अच्छा लगेगा ना, इससे मतलब मैंने सोचा मेरे दिल में बात आ गई, मैंने बोला सरप्राइज करके दूंगा। तो मेरा वैसा तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको बनवा के दूं, लेकिन जो है भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने सिस्टर ने बोला खुद, मैं उसने खुद ही बोला था कि मैं खुद बनवाऊंगी, लेकिन मैं चाह रहा था कि बनवा के सर्विस करवा के फिर दूं, लेकिन ज़्यादा खर्चा नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा है, तो वो सिस्टर खुद कर देंगी। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ छुप छुप की शॉप पर और इसको रैपिंग वगैरह करवा के गिफ्ट की तरह पैक करवा के इस बॉक्स के अंदर ये मोबाइल फ़ोन, और फिर उसको सरप्राइज दूंगा, काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी जो है खुशी होगी मुझे भी, और सिस्टर को भी काफ़ी खुश हो जाएगी, क्योंकि उसको अपने पसंद का फ़ोन, ये इसको पसंद था काफ़ी शुरू से ही, फिर मेरा ख़राब हो गया था, फिर मेरे वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं है, मैं अभी दूसरा यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैं ब्लॉग वगैरह बनाता हूँ, तो वो काफ़ी खुश हो जाएगी यार। तो ये काफ़ी खुशी मुझे जो है ना अच्छी लगेगी और बहुत मज़ा आएगा। तो भाई अभी तक आपने सोलेज व्लॉग्स को अगर इन्जॉय नहीं किया ना तो कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो भाई मैं इस व्लॉग यहाँ से कर देता हूँ स्टार्ट, सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। चले जल्दी से मैं इस बॉक्स में डाल देता हूँ और उसके बाद उसके ऊपर जल्दी से रैपिंग चढ़वा के फिर उसको देखते हैं सरप्राइज, काफी मजा आएगा यार। आहा तो गाइस मैं अभी जो है सिस्टर की जो पैकिंग करवाया था जी, तो भाई जान जो है अभी पैकेट में बना रहे हैं इसको, खूबसूरत बन करके बनाएंगे इसको गिफ्ट करके, ताकि जो है जब मैं गिफ्ट दूंगा तो सिस्टर के लिए सरप्राइज हो जाएगा ना, मतलब एक्साइटेड हो जाएगी ताकि वो एक अच्छा सा सरप्राइज जब खोलेंगे। अच्छा सा मैंने भाई को बोला एक अच्छा सा गिफ्ट जो है तैयार करके जो है मुझे बना के दो, तो भाई जो है अभी लगे पड़े हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत बनाएंगे इसको गिफ्ट को, जब सारा बना लेंगे ना मैं आपको तब दिखाऊंगा, फिलहाल मैं भाई के साथ थोड़ी बहुत हेल्प भी कर रहा हूँ यहाँ पे पकड़ने वगैरह में। तो ऑलमोस्ट जो है भाई ने काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है गिफ्टिंग ये बैग जो है गिफ्ट कर दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सजाया, अभी भी लगा पड़ा हुआ है भाई, तो देखें यार काफ़ी खूबसूरत बनाया है यार, लेवल का भाई ने डिज़ाइन किया है VIP। अब जो है पता है क्या चीज़ रहती है, ये वाली एक चीज़ रहती है, इस कार्ड पे जो है ना मुझे लिखना है और वो लिख के इसके ऊपर भाई जो है लगाएंगे, काफ़ी ज़्यादा फिर खूबसूरत हो जाएगा। तो इस पर मैं एक सिंपल सा शेर है मतलब वो मैं इस पर लिख देता हूँ, वो मैंने अक्सर देखा भी है ऐसे लिखते हैं लोग, ये आ गया भाई डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, ये आ गई भाई
मेरी बहन लाखों में एक। तो यहाँ पे मैं अपनी सिग्नेचर भी कर लेता हूँ। तो भाई अभी जो है इस डब्बे को यहाँ पे चिपकाते हैं और इसको बस यार भाई आप इसको चिपका दें। तो ये देखें यार भाई अभी इसको जो है इसके ऊपर चिपकाएंगे, फिर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा ये। आपको देखें ओवरऑल लुकिंग आपको मैं दिखाता हूँ डब्बे की, ये चेक करें कितना खूबसूरत है। और इसको भाई मेड इन जो है इनको बनाने वाला है ये भाई साहब, भाई लेवल का बनाया आपने यार, वी आई पी खुश कर दिया यार आपने। तो भाई ये जो है अब मैं इसको लेके जाता हूँ और सिस्टर को सबको सरप्राइज़ देता हूँ और भाई शॉपर वगैरह में डाल के फाइनली हो चुका है यार, लेवल हो गया, लेवल की पैकिंग कर दी भाई ने, बिल्कुल मज़ेदार कर दी। अब बस लेके जाने के लिए बिल्कुल काबिल हो गया है, तो अभी जाके सरप्राइज देता हूँ अपनी सिस्टर को। अरे यार गाइस लाइट चली गई है अभी यार, बिल्कुल अंधेरा हुआ हुआ है बिल्कुल। नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरा अपना सामान है भाई, मेरा अपना सामान है। चल झूठा, तुम्हें क्या मसला है, मैं अपना सामान नहीं लेके आ सकता कभी। हाँ मेरा अपना सामान है कुछ। तो भाई मैं इसको जल्दी से रख लेता हूँ और फिर लाइट वगैरह आती है तो फिर इसको करते हैं, क्योंकि यार समझ रहे हो ना आप लोग अभी अंधेरा है, मज़ा नहीं आएगा। तो गाइस अभी जो है मैं ऊपर छत पे आ गया हूँ, काफ़ी अंधेरा है यार, लाइट चली गई यार। आप लोगों को पता है ना अभी अंधेरे में सरप्राइज़ देना अच्छा नहीं लगता यार, वो एक्साइटमेंट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, और मैं नहीं चाहता यार मेरी बहन की एक्साइटमेंट ख़त्म हो। मैं चाहता हूँ रोशनी में जो है ना वो अपना सरप्राइज़ खोले और मतलब अच्छा लगे ना, रोशनी के अंदर भी लाइट चली गई है, देख सकते हो यार पूरा हर जगह अंधेरा अंधेरा लगा पड़ा है। तो यहाँ पर लाइट चली जाती है यार अक्सर ना, तो यहाँ पर लाइट चली गई है। तो जैसे ही लाइट आएगी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ छत पर, जैसे ही लाइट आएगी तो फिर जो है सिस्टर को सरप्राइज़ देंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन यार एक घंटा वेट करना पड़ेगा लाइट आने तक। तो मैं चाहता हूँ कि एक्साइटमेंट जो है ना वो अच्छा वाला हो, यानी कि सेलिब्रेशन जो है मतलब खुशी जो है अच्छी वाली है। तो क्योंकि भाई मैंने दिल से पैक करवाया है और दिल से गिफ्ट दे रहा हूँ और उसकी पसंद की गिफ्ट है। तो लाइट आती है और फिर जो है उसको अनबॉक्सिंग करवाते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा यार। भाई लाइट आ चुकी है और अब जो है सिस्टर को देखते हैं उसका सरप्राइज। तो भाई अभी मैंने इसको अलमारी में थोड़ी देर पहले रखा हुआ था, तो भाई मैं इसको निकाल देता हूँ और फिर जो है सिस्टर को सरप्राइज करते हैं और उसको दिखाते हैं, काफी जो है सरप्राइज हो जाएगी भाई इसको। सिस्टर इधर आना, आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, सरप्राइज है आपके लिए भाई। वो तो खोलने के बाद ही पता चलेगा क्या है। तो गाइस सरप्राइज देते हैं सिस्टर को, अनबॉक्सिंग करवाते हैं। तो ये है आपका सरप्राइज, आप इसको ओपन करें और चेक करें। हाँ आप सरप्राइज देखो तो सही, नहीं बर्थडे नहीं है, मैंने अपनी तरफ से दिया है ना सरप्राइज आपको। हाँ चेक तो करो भाई साहब, ओए ओए लेवल देखो भाई, मैंने पूरी जो है ना आज पे, ओए ओए भाई लाखों में एक तो है हमारी बहन, इसको खोलो ना पता तो तब चलेगा ना गाइस, अब पता चलेगा सिस्टर जो है अनबॉक्सिंग करने वाली है। अच्छा मैंने सही लिखा है ना इस पे डब्बे में, डब्बा डब्बे में एक। तो भाई सिस्टर हमारी लाखों में है कि भाई लाख तो मैं भी कम बता रहा हूँ, मेरे जान से भी ज़्यादा अजीज है भाई मेरी सिस्टर को। तो भाई सिस्टर अभी अनबॉक्सिंग करने लगी है, ओए ओए मैंने बहुत ही इतनी मेहनत से इसको पैक करवाया है इस गिफ्ट को। हाँ खोलो खोलो, देख तो देखो तो सही इसमें है क्या। अरे आपसे ये डब्बा नहीं खुल रहा, चलो खोलो। और वही अब तो ऑलमोस्ट हो चुकी है अनबॉक्सिंग, भाई पैकिंग तो ओपन हो चुकी है, अब डब्बा ओपन होने वाला है। नहीं फोन नहीं है भाई, चेक तो करो, मैं क्यों बताऊं भाई, सरप्राइज क्यों बताऊं आपको मैं। तो फोन का डब्बा है। हाँ तो आप देखो तो सही, ओए आईफोन बब्बा, आईफोन आईफोन क्या याद करोगी, आईफोन है बब्बा। हाँ आईफोन गिफ्ट किए है मेरे भाई, आईफोन यार ये आप लोग यही सोच रहे, इससे पहले ना सिस्टर के पास ये नहीं कि मैं ये वाला फोन दे रहा हूँ, सिस्टर को पास पड़ा भी हुआ है जो कि मैंने व्लॉग भी बनाया था, वो मैं व्लॉग इसमें डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, वो वाला आप व्लॉग देख लेना, क्योंकि वो एंड्रॉइड है, वो यूज करने के लिए सिस्टर के पास ऑलरेडी मैंने वो लेकर दिया था। मेरे ख्याल से टेक्नो का कोई मोबाइल था, नया मॉडल था, अच्छा मॉडल था, तो ये एक्स्ट्रा सिस्टर को पसंद था कि सिस्टर चाह रही थी कि मेरे पास एक आईफोन भी हो, तो इस वजह से मैंने इसको दिया। लेकिन इसके सिस्टर के पास ऑलरेडी अपना फोन है जो कि मैं पहले दे चुका हूँ। तो कैसा लगा सिस्टर आपको ये फोन ना, मैंने इसकी पूरी कंडीशन ना फिर वैसे की वैसी रखी है और ताकि जो है ना आपको ये पसंद आ जाए। कैसा लगा आपको, खुश है आप, बहुत एक्साइटेड है ना। तो भाई सिस्टर बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है, और उनके साथ साथ मैं भी खुश हूँ। अभी आप अम्मी को जाके दिखाए ना, अम्मी को। हाँ
अम्मी को देखेंगे, अभी भी काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी क्योंकि भाई ये मेरा फोन होता था किस मतलब एक दो महीने पहले मैं सिर्फ ब्लॉगिंग बनाता था, ब्लॉग वगैरह बनाता था, तो सिस्टर को ये फोन अच्छा लग रहा था। सिस्टर के पास अपना ऑलरेडी है, तो सिस्टर कह रही थी कि मेरे को फोटोग्राफी के लिए जो है एक फोन चाहिए था, आईफोन वगैरह, तो मेरा वाला फोन काफी पसंद आ रहा था सिस्टर को, तो फाइनली वो मैंने सिस्टर को दे दिया। तो भाई सिस्टर से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, तो ये फोन उसको पसंद आ रहा। मैंने इसलिए मना किया था कि मुझे सरप्राइज करना, आपको मैंने पता क्यों मना किया था, क्योंकि मैंने आपको सरप्राइज देना था, इस वजह से समझ गए ना आप। जब मैंने सरप्राइज बना के और दुकान पे, जब आप ये ब्लॉग देखेंगे ना मेरा, आपको पता लग जाएगा मैं दुकान पे किस तरह पैकिंग करवा रहा हूँ। वो बंदे ने फुल मेहनत से जो है पैकिंग करके दिया, और उसने बोला कि भाई आप अपनी बहन के लिए पैक करवा रहे हो, तो उसने मुझे अच्छी सी पैकिंग बना के दी और मुझे भी काफी उसकी पैकिंग पसंद आई, तो आपको भी काफी पसंद आएगी। तो सिस्टर ऐसे आपको ऐसे आप खुश रहा करें, ठीक है। तो भाई सिस्टर खुश हो गई, मैं खुश हो गया, और बस अम्मी जान को दिखाएंगे, अम्मी जान भी खुश हो जाएंगी। तो बस यार ये हमारी छोटी छोटी खुशियां होती है, हम घर में करते हैं। तो ये गुब्बारा बड़ा हुआ है, इसको फाड़ते हैं, फाड़े इसको। 3 2 1 मुंह के सामने ना फट जाए। 3 2 1 अबे फटा तो नहीं, इतना मजबूत गुब्बारा, फिर से ट्राई करता हूँ। 3 2 1 ओहो भाई, सेलिब्रेशन सही वाला हो गया भाई, लेवल हो गया लेवल। मेरे कान के सामने फटा है यार, मेरा कान में अजीब से आवाज, मजा आ गया यार, लेकिन मजा। तो गाइस अभी जो है यार काफी ज्यादा टाइम हो चुका है रात का, तो अभी यहाँ पे करते हैं एंड। और जिन्होंने अभी तक श्योरलेस ब्लॉग्स को एंजॉय नहीं किया ना, तो कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो भाई अभी से अभी तक जो देख रहा है ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब दबा दो भाई। यार बार बार बोलना नहीं पड़े यार मुझे, यार लाइक एंड सब्सक्राइब दबा दिया करो यार, आप प्यार करते हो तो दबा दिया करो यार। जिन्होंने किया हुआ वो लाइक दबा दे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब और लाइक साथ में दबा दे। तो भाई इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे करने लगा एंड, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।